बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न यूनिट नंबर 9। द नेम ऑफ द यूनिट इज़ द स्टोरी ऑफ सिल्क। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड्स टू नो, आर्टिफैक्ट, इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, दिलचस्प ऑब्जेक्ट्स मतलब चीज़ें वगैरह, बेयरिंग अ पर्सन्स वे ऑफ स्टैंडिंग आर मूविंग, चाल ढाल, कोकोन, अ सिल्की केस स्पन बाय इंसेक्ट्स सच एज कैटरपिलर, कोया, कन्फाइंड, महदूद, कस्टम, रिवाज, हैबिट, ट्रेडिशनल वे ऑफ बिहेविंग, एलेबोरेट, केयरफुली मेड विद लॉट्स ऑफ फाइन डिटेल, मेहनत से बनाया हुआ, एम्परर, द रूलर ऑफ एन एम्पायर, शहनशाह, मैन्युफैक्चर्ड, मेड, बनाया, वीवर, अ पर्सन हु मेक्स क्लॉथ बाय क्रॉसिंग थ्रेड ओवर एंड अंडर ईच अदर, जुलाहा। लेट्स मूव टुवर्ड्स रीडिंग एंड ट्रांसलेशन ऑफ दिस यूनिट। डिड यू नो डैट सिल्क वाज डिस्कवर्ड इन चाइना। क्या आप जानते हैं कि जो रेशम है ये चाइना में दरियाफ्त हुआ था अ लॉन्ग टाइम अगो। इन अ टाइनी विलेज इन चाइना देयर लिव्ड अ पुअर गर्ल बिलोंगिंग टू अ वीवर्स फैमिली। बहुत अरसा पहले चीन के एक छोटे से गांव में एक जुलाहे के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली एक गरीब लड़की रहती थी। वन डे, एक दिन, द एम्परर वाज पासिंग थ्रू द विलेज। बादशाह गुजर रहा था गांव के पास से एंड सा हर वर्किंग इन द फील्ड्स, और उसने उसको खेतों में काम करते हुए देखा। ही नोटिस्ड हर प्रिटी फेस, हर प्राउड बेयरिंग एंड हर रफ वर्क वॉर्न हैंड्स विच मीन्स शी वर्क वेरी हार्ड थ्रू द ईयर। उसने उसके खूबसूरत चेहरे को देखा और उसके फाखराना चाल ढाल को देखा और उसके खुरदरे और मेहनत मुशक्क़त से निशान ज़दा हाथों को देखा, जिसका मतलब ये था कि वो सारा साल बहुत मेहनत करती है। ही इमीडिएटली फेल इन लव विद हर, और उससे फौरन से, इमीडिएटली फेल इन लव, फौरन से प्यार हो गया या मोहब्बत हो गई। एंड दो ही वाज मच ओल्डर डिसाइडेड टू मैरी हर, अगरचे वो उम्र में कहीं ज़्यादा था, इससे शादी करने का फैसला कर लिया। द गर्ल मैरिड द रूलर ऑफ द लैंड एंड वेंट टू लिव इन हिज पैलेस एज हिज बिलविड क्वीन। लड़की ने मुल्क के हुक्मरान से शादी कर ली और इसकी महबूब मलका बनकर उसके महल में रहने लगी। बट ही वाज अनहैप्पी, लेकिन वो नाखुश थी। शी हैड ग्रोन अप इन द वाइड ओपन स्पेसेस ऑफ द कंट्री साइड। वो देहात की खुली फिजाओं में पली बड़ी थी एंड नाउ शी वाज कन्फाइंड टू अ पैलेस, लेकिन अब वो सिर्फ एक महल तक महदूद थी। मैग्निफिसेंट तो दो इट वाज, गोया के वो बहुत आलीशान था। शी वाज यूज टू वर्किंग फ्राम डॉन टू नाइट विदाउट अ मोमेंट स्ट्रेस। वो सुबह से शाम तक काम करती बगैर कोई आराम किए। बट नाउ शी हैड मैनी सर्वेंट्स टू टेक केयर ऑफ हर नीड्स एंड डिड नाट नाउ हाउ टू फिल हर टाइम। अब यहाँ पे ये था कि उसके पास बहुत सारे मुलाजिम थे जो कि उसकी देखभाल करते, उसकी ज़रूरतों को पूरा करते, और उसको अब समझ में नहीं आता था कि वो किस तरह से वक्त गुजारे। इन द विलेज शी हैड बीन सराउंडेड बाई फैमिली एंड फ्रेंड्स हु एक्सचेंज न्यूज़ एंड गॉसिप्स एज दे वर्क, बट इन द पैलेस इट वॉज क्वाइट एंड नो वन स्पोक आउट आफ्टर। गाँव में ये था कि वो अपने फैमिली के साथ रहती थी या फैमिली के लोगों से घिरी हुई थी, दोस्तों के साथ रहती थी जो कि तबादला करते थे ख़बरों का, गपशप का उससे, उसके काम के बारे में। लेकिन यहाँ महल में क्या था कि वो बिल्कुल खामोशी होती थी और कोई नहीं बोलता था अपनी बारी के बगैर। द एम्परर नोटिस्ड हिज न्यू वाइफ वाज सैड एंड ट्राइड
his best to make her happy. जो बादशाह था उसने इस बात को नोटिस किया कि उसकी जो बीवी है, नई बीवी है, वो खुश नहीं है, उदास है, और उसने कोशिश की कि वो उसको खुश कर सके. He bought her grand clothes, jewels and artifacts, threw elaborate parties, hired the best musicians of the land to amuse her. Yet he was sad. इसने इसके लिए शानदार कपड़े, जेवरात और दिलचस्प चीज़ें खरीदी. बड़ी बड़ी दावतें उसने जो है वो की, और इसकी जो है वो दिल बस्ती के लिए या उसको खुश करने के लिए मुल्क के बेहतरीन मौसीकारों की खिदमात उसने हासिल की. लेकिन फिर भी क्या हुआ कि वो उदास थी. वन आफ्टरनून एक सपैर द एम्प्रेस सैट अंडर अ मलबेरी बुश इन हर गार्डन. मलका अपने बाग में, मलबेरी बुश कहते हैं शहतूत की के दरख्त के नीचे, झाड़ी के नीचे वो बैठी हुई थी. लॉस्ट इन हर थॉट्स अबाउट हर विलेज, और अपने ख्यालों के में खोई हुई अपने गांव के बारे में. शी स्लोली सिप्ड हॉट वाटर फ्रॉम अ कप. वो आहिस्ता आहिस्ता एक प्याली से गर्म पानी की चुस्कियाँ ले रही थी या पी रही थी. स्टेयरिंग अप एट द ब्लू स्काई, नीले आसमान को देखते हुए. द गर्ल रिमेंबर्ड द बर्ड्स डैट फ्लू ओवर हर विलेज. जो लड़की थी उसको परिंदों का ख्याल आया जो गांव पर उड़ते थे. देन सिंगिंग सॉफ्टली टू हर सेल्फ, फिर इसने आहिस्तगी से हल्की सी आह भरी. शी पिक्ड अप हर कप टू टेक अनदर सिप, उसने एक और चुस्की लेने के लिए प्याली उठाई. बट वट वाज दिस, लेकिन ये क्या था. अ कोकोन फ्राम द मलबेरी बुश हैड ड्रॉप्ड इनटू द हॉट वाटर. शहतूत की झाड़ी से एक कोया गर्म पानी में आकर गिरा था. हर फर्स्ट थॉट वाज टू ड्रॉप थ्रो अवे द वाटर. उसने पहले सोचा कि वो ये गर्म पानी फेंक दे एंड द कोकोन और कोए को. बट देन शी टुक अ क्लोजर लुक, लेकिन जब उसने उसे गौर से देखा. एंड शी सा सम थ्रेड पीपिंग आउट फ्राम द कोकोन, और उसने कोए से चंद धागे जो हैं वो झांकते हुए देखे. वेयर हैड दे कम फ्राम, ये कहाँ से आए थे. शी पुल्ड द थ्रेड, उसने धागों को खींचा. दे वर थिन, वो बारीक थे, स्ट्रॉन्ग मजबूत थे, एंड शाइनी और चमकदार थे. शी केप्ट पुलिंग एंड अ लॉन्ग लाइन ऑफ थ्रेड केम आउट. वो खींचती गई और एक लंबा सा धागा बाहर निकला. नाउ द एम्प्रेस हैड अ ग्रेट आइडिया, अब मलका को एक ज़बरदस्त ख्याल आया. She would take the thread from many cocoons and weave soft, strong cloth from it. वो बहुत से कोयों से धागे ले गई और इससे नरम और मजबूत कपड़ा बुनने लगी. She called her servant and everyone got to work. उसने अपने खादमों को बुलाया और हर कोई काम पर लग गया. They took cocoons out of the mulberry tree, dropped them in hot water and removed the thread. उन्होंने शहतूत के दरख्तों से कोए निकाले, इन्हें गर्म पानी में डाला और धागा अलहदा किया. They gathered a fair amount of yarn, उन्होंने बहुत सा सूत इकट्ठा कर लिया. Then the queen ordered to a special weaving machine, और फिर मलका ने बुनाई के लिए ख़ास मशीन का हुक्म दिया. एंड वोव द फर्स्ट पीस ऑफ क्लॉथ यूजिंग दिस न्यू थ्रेड, और उसने नए धागे को इस्तेमाल करते हुए कपड़े का टुकड़ा, पहला टुकड़ा बुना. दिस वाज हाउ सिल्क द बेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट फॉर्म ऑफ क्लॉथ वाज वेव्ड, और इस तरह कपड़े की बेहतरीन और सबसे चमकीली शक्ल रेशम बुनी गई.
द मैन्युफैक्चर ऑफ सिल्क थ्रेड थ्रू आउट चाइना, रेशम की तैयारी का काम पूरे चाइना में फैल गया. इट वॉज द क्लॉथ डेट ओनली रॉयल्टी कुड वियर एंड वॉज मच इन डिमांड इन लैंड्स एज फार अवे एज रोम. और ये वो कपड़ा था जो सिर्फ शाही ख़ानदान के लोग पहन सकते थे और रूम जैसे दूरदराज मुल्कों में इसकी बहुत ज़्यादा मांग थी. द रूट अलॉन्ग विच सिल्क वॉज ट्रेडिड बिटवीन चाइना एंड यूरोप थ्रू एशिया वॉज कॉल्ड द सिल्क रूट. और एशिया से गुजरने वाले जिस रास्ते के ज़रिए चीन और यूरोप की तिजारत होती थी इसे शराय रेशम कहते हैं, सिल्क रूट शराय रेशम. नाउ डेट द चाइनीज हैड लर्नड हाउ टू मेक सिल्क क्लॉथ, अब जबकि चीनियों ने रेशम का कपड़ा बुनना सीख लिया था, दे डिड नॉट वॉन्ट टू शेयर दिस नॉलेज विद एनी वन इन द वर्ल्ड, वो नहीं चाहते थे कि वो ये राज या इल्म जो है वो दुनिया में कहीं और जो है बताएं. फॉर मैनी ईयर्स ऑल मेम्बर्स ऑफ द चाइनीज रॉयल फैमिली वर स्वॉर नेवर टू रिवील द सीक्रेट टू एवरी वन. और क्या होता था कि कई सालों तक चीन के शाही ख़ानदान के तमाम अफराद से ये अहद लिया जाता था कि वो किसी को ये राज नहीं बताएंगे. When princesses got married and went away to far off lands, जब शहजादियों की शादी होती और वो दूर दराज के इलाकों में जाती, they were not allowed, तो उनकी इजाज़त नहीं थी to tell anyone in their new home, कि वो किसी को भी बताएं अपने नए घर में जाके how silk was made, के सिल्क कैसे तैयार किया जाता है या रेशम कैसे बनाया जाता है. Many many years later, when a clever princess was leaving her house on getting married, बहुत सालों बाद एक होशियार शहजादी जब वो अपना घर छोड़कर जा रही थी, as was the custom, जैसा कि रवाज था, her bags were searched carefully to check that she did not carry anything that would help her make silk. तो रिवाज के मुताबिक उसका जो बैग था या उसकी जो साथ ले जाने वाली चीज़ें थी उनको बहुत एहतियात से चेक किया गया कि वो कोई ऐसी चीज़ ना ले जाए जो कि उसको सिल्क बनाने में मदद दे. दिस प्रिंसेस हैड बीन वेविंग सिल्क फ्रॉम अ यंग एज, ये जो शहज़ादी थी बहुत छोटी उम्र से सिल्क बना रही थी या रेशम बुन रही थी एंड वांटेड टू कंटिन्यू टू डू सो वेन एवर शी वेंट. तो वेयर एवर शी वेंट, तो वो ये चाहती थी कि वो जहाँ भी जाए वो अपना ये काम जारी रखे. शी हैड हिडन द कोकोन्स इन हर लॉन्ग एलैबोरेट हेयरडू, उसने जो कोकोन्स थे वो अपने लंबी चोटी में या बालों की जो उसने चुटिया बनाई हुई थी उसमें छुपा रखे थे. नो वन थॉट ऑफ लुकिंग देयर, किसी को भी वहाँ देखने का ख्याल नहीं आया. वैन शी वेंट टू हर हस्बैंड्स हाउस, जब वो अपने हस्बैंड के या खावंद के घर गई, शी टुक आउट दीज कोकोन्स फ्राम हर हेयर, तो उसने कोकोन अपने बालों में से निकाले एंड स्टार्टेड गैदर्ड सिल्क थ्रेड, और उसने जो है वो रेशम का धागा बनाना शुरू किया. इन दिस वे, इस तरह द लेजेंड गोज नॉलेज ऑफ हाउ टू मेक सिल्क लेफ्ट चाइना. तो इस तरह से क्या हुआ कि दास्तान के मुताबिक जो रेशम की तैयारी का इल्म चाइना से बाहर निकला.